प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 12 फरवरी को दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी लंबाई 1380 से भी ज्यादा होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को एक शानदार उपलब्धि बताया। सूत्रों के मुताबिक गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 25 लाख टन चारकोल का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही साथ आगे आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री के मुताबिक 4 लेन के इस एक्सप्रेसवे को 24 घंटे में 2.5 किलोमीटर तक बिछाया गया है। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जबकि 50 किलोमीटर सिंगल लेन में 100 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में चारकोल डालने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नितिन गडकरी ने यह जानकारी बिल्डिंग द नेशन के साथ टैग की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 फरवरी को करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।